हेलो डियर स्टूडेंट्स, वी वर ऑन अडेप्टेशन ऑफ पेंगुइन। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं, पेंगुइन्स एक बर्ड है जो कि कहाँ पर पाई जाती है, एंटार्कटिका रीजन में पाई जाती है। दे आर बर्ड्स बट डिज़ाइन फॉर द लाइफ इन द सी। ठीक है, बर्ड है लेकिन ये इनकी डिज़ाइन कैसी होती है, बहुत बर्फीले एरिया में बनने के लिए इनके उनको डिज़ाइन किया गया है। दे कैन नॉट फ्लाई, ऐसे बर्ड्स जो कि उड़ नहीं सकते, बट आर वेरी गुड स्विमर, लेकिन ये आसानी से तैर सकते हैं। अ कोट ऑफ फैट विच इज़ अप टू 3 सेंटीमीटर थिक हेल्प देम सर्वाइव इन द फ्रीजिंग कंडीशन। ठीक है, जमने जैसी कंडीशन में हम लोग नहीं रह सकते वहाँ पर, क्योंकि हमारी बॉडी स्ट्रक्चर इस तरीके की नहीं है। लेकिन पेंगुइन जो है, इनके जो फैट स्ट्रक्चर होती है दैट इज़ 3 सेंटीमीटर थिक, इतनी मोटी इनकी स्किन होती है जो कि इनको कैसा बनाती है, फ्रीजिंग कंडीशन में भी रहने लायक बनाती है। डियर फीदर्स आर स्टिल वेरी टाइटली पैक्ड, एक्ट लाइक द वाटर प्रूफ कोट। इनका जो इनके जो पंख होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि वे वाटर प्रूफ कोट की तरह काम करते हैं। द डार्क प्लूमेज एब्जॉर्ब हीट, इनके ब्लैक जो स्किन का कलर होता है वो हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ऑन लैंड मोस्ट पेंगुइन्स वॉक अपराइट ऑन डियर हिंड फिट एंड देर रेस्ट ऑफ। अब देखो ये क्या होता है, दो पैरों से खड़ी हो जाती है ताकि इनका बॉडी का बहुत कम पार्ट बर्फ से क्या होता है, कॉन्टैक्ट में आता है, और इसी वजह से ये आसानी से, जितना कम कॉन्टैक्ट में आएगा उतनी ही इनकी बॉडी क्या रहेगी, गर्म रहेगी। पेंगुइन हैव द यूनिक स्पेशल बिहेवियर, दे लिव इन द ह्यूज क्लस्टर। जनरली ये ग्रुप में रहते हैं, और जो ग्रुप में रहते हैं हम, तो क्या होता है, हमारी बॉडी की हीट होती है उसको बाहर नहीं निकलने देते। ग्रुप में रहने की वजह से इनका जो बॉडी है वो वार्म बना रहता है। अनलाइक द फ्लाइंग बर्ड्स दे हैव वेरी हैवी सॉलिड बॉन्स विच अलाउ दैम टू स्टे अंडर वाटर एफर्टलेसली। इनकी जो जो बोन्स होती है, ठीक है, वो इनको इस तरीके की डिज़ाइन की हुई होती है कि ये आसानी से वाटर के अंदर भी रह सकते हैं। दियर विंग शेप्ड फ्लिपर्स मेक दैम फ्लाई अंडर वाटर एट स्पीड 14 to 15 km/h। आसानी से इनकी जो फ्लिपर हैं, पंख हैं, वो इस तरीके से बने होते हैं कि ये बर्फ के अंदर भी पानी होता है ना, उसके अंदर ये आसानी से तैर पाते हैं। दियर स्ट्रीम लाइन बॉडी, इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो भी इनको अच्छा स्विमर बनाती है। एडेप्टेशन इन हॉट क्लाइमेट, अब हम बात करते हैं हमारे राजस्थान की, जहाँ पर हम बात करेंगे हमारा रेगिस्तान का सबसे बड़ा जो एनिमल है दैट इज़ ऊँट। ठीक है, कैमल, उसकी हम बात करते हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट। एनिमल लिविंग इन हॉट एंड ड्राई डेजर्ट क्लाइमेट हैव द फॉलोइंग एडेप्टेशन। एनिमल्स लाइक कैमल स्टोर वाटर इन देयर हम्प। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से उनकी पीठ पर एक बना हुआ कुबड़ जैसा होता है जिसके अंदर फैट भरा होता है। ठीक है, फैट को स्टोर कर पाते हैं ये। फॉर दियर लेटर यूज़ इन डेजर्ट देयर आर वेरी लिटिल रेनफॉल, बहुत कम बारिश होती है वहाँ पर। दियर फॉर कैमल हैव द अडेप्टेड सो दे सर्वाइव इन दैट क्लाइमेट। बहुत दिनों तक वो वहाँ पर बिना पानी बिना खाए रह सकते हैं। दे ऑल्सो हैव पैडी फिट, इनके जो पैर होते हैं वो गद्दी जैसे होते हैं ताकि ये सैंड पर आसानी से चल सकें। एनिमल्स इन दिस रीजन्स स्पेंड डे टाइम अंडर द शेड एज टेम्परेचर इज़ वेरी हाई हियर ड्यूरिंग द डे टाइम एंड दे कम आउट नाइट। जनरली ये नाइट में ही क्या करते हैं, वॉक करते हैं, और दिन में ये आराम करते हैं किसी शेड के नीचे। नॉक्टोरियल एनिमल्स होते हैं, रात में चलने वाले एनिमल्स को बोलते हैं नॉक्टोरियल एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल रेप्टाइल्स आर नॉक्टर्नल एनिमल्स, सम एनिमल्स डू नॉट कॉप विद हीट, गो फॉर अ लॉन्ग समर स्लीप। और कुछ एनिमल्स जो हैं वो हीट के साथ कॉप अप नहीं हो पाते हैं गर्मी में, और लंबी नींद में चले जाते हैं, जैसे कि ठंडी जगह पर भी लंबी नींद में चले जाते हैं, उसी तरीके से गर्मी वाले एनिमल्स जो होते हैं उस डेजर्ट वाले, वो भी लंबी नींद में चले जाते हैं, जिसको बोलते हैं एस्टिवेशन। फॉर एग्जाम्पल रेड सेलामेंडर, ये गर्मी में बाहर नहीं निकलते हैं, अपने बिलों में लंबी नींद सो जाते हैं।
एडेप्टेशन और टू हॉट एंड वेट क्लाइमेट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. अब ऐसा क्लाइमेट जहाँ पर गर्मी भी है और बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हॉट एंड वेट क्लाइमेट वेयर इज द मेन एक्चुअल टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द सन इज ऑलमोस्ट ओवर हेड इन द स्काई. ठीक है, जो सिर के ऊपर रहता है सन, तो इसका मतलब क्या होता है, हीट जो सन रेज है वो डायरेक्टली स्ट्रेट गिर रही है नीचे, और स्ट्रेट गिरती है तो गर्मी ज़्यादा होती है. There are very little variation in length of the day and night. जितने टाइप का दिन है उतने ही टाइम का रात है, 12 घंटे के दिन 12 घंटे की रात. दिस रीजन इज कैरेक्टराइज बाई वेरी हैवी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा बारिश होती है. इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एग्जिस्ट इन द वेस्टर्न घाट एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ आसाम. ठीक है, ये क्या है, हमारी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है इंडिया के. इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द अमेजन बेसिन, सेंट्रल अमेरिका, कॉन्गो बेसिन, सेंट्रल अमेरिका, अफ्रीका, मलेशिया, इंडोनेशिया, न्यू गुनिया इन साउथ ईस्ट एशिया. यहाँ यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट प्रेजेंट होते हैं. द अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स इन रेन फॉरेस्ट मेक दैम कम्पीट बेटर फॉर फूड एंड सर्वाइवल. द वार्म टेम्परेचर एंड द वर्टिकल हैबिटेट कॉन्ट्रीब्यूट टू द अबंडेंट एनिमल लाइफ. यहाँ पर देखो, यहाँ पर बारिश भी बहुत ज़्यादा है, बारिश बहुत ज़्यादा है तो वेजिटेशन बहुत ज़्यादा है, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है. ठीक है, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं तो यहाँ पर एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा होंगे क्योंकि फूड काफ़ी अच्छे से अवेलेबल है. देर आर थ्री क्लियर कट स्ट्रेटा कनोपी अंडर स्ट्रोई ऑफ द फॉरेस्ट फ्लोर ऑन विच एंटायर फॉरेस्ट इकोलॉजी डिपेंड्स. बर्ड्स लिव ऑन द अपर स्ट्रेटा. बर्ड्स जो हैं वो कहाँ रहते हैं, पेड़ पौधों के ऊपर रहते हैं. कनोपी, कनोपी मतलब होता है पेड़ पौधों के जो ऊपर वाला एरिया होता है ना, वो इतना घना है कि ज़मीन दिखती नहीं है, उसको बोलते हैं कनोपी. मोस्ट ऑफ देम आर ब्राइट कलर्ड टोकेंस एंड हॉर्नबिल्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ कनोपी. मतलब पेड़ पौधों के ऊपर ही रहते हैं, बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर ही रहते हैं और ये वहीं से खाना लेते हैं. वेर इज पैरेट मकाओ ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द लोअर डाउन इन द कनोपी. लेकिन ये जो बंदर जैसा ही होता है मकाओ और पैरेट्स, ये थोड़े से नीचे भी आ जाते हैं अपने खाने की तलाश में. अब उसके बाद आता है यहाँ पर इनको रिकॉग्नाइज, इनके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं कि आसानी से अपने फूड को क्या कर लेते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, और अपने बीक से, चोंच से, होलो इनसे अपने पेड़ पौधों में से भी अपने खाने को ढूंढ निकालते हैं. दीज हैव टू रीच फ्रूट्स एंड डिसेंट विक ब्रांचेज. इनकी बर्ड की चोंच हो गया और जो एनिमल्स हो गए उनकी पूंछ हो गई, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है. द लेयर बिलो द कैनोपी इज अंडर स्टोरी. मोस्ट ऑफ द एनिमल्स लिविंग ऑन अंडर स्टोरी आर अबोरल अडेप्टेड टू लिव ऑन द ट्रीज. अबोरल मतलब होता है ट्रीज की शाखाओं के ऊपर रहने वाले. मंकीज हो गए, ल्यूमर्स हो गए, एप्स हो गए, ऑरंगटन हो गए, हैव रोटेटिंग आर्म. आसानी से ये रोटेट हो जाते हैं, पेड़ पौधों को पकड़ कर घूम जाते हैं पूरी तरीके से. इनकी जो प्रीहेंसाइल टेल होती है, पूंछ जो होती है, वो बैलेंसिंग का काम करती है, इनको गिरने नहीं देती, बांच में एक जगह से दूसरी जगह पर जंप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. द बियर डैप ऑन द लाइन टर्ल्ड मकाओ मीडियम साइज्ड ऐप इन वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड मैमल हैं ये. इट इज़ फाउंड इन द वेस्टर्न घाट. एंडेंजर्ड का मतलब होता है कि इनकी बहुत ही कम स्पीशीज, बहुत ही कम नंबर में प्रेजेंट है, ख़त्म हो जाएंगे कुछ टाइम बाद अगर इनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया. ठीक है, देखो, और उसके बाद आता है यहाँ पर क्या क्या खाते हैं, ये यंग लीव्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, सीड्स खाते हैं, ये सब खाते हैं. ये द रेड आइट ट्री फ्रॉग, लाल आँखों वाला कौन, मेंढक. कहाँ रहता है, ब्रांचेज में रहता है. द ह्यूज ब्राइट आइज जो हैं वो अडेप्टेड हैं इनकी, ताकि इनके जो इनामीज हैं वो डर सकें इन अपनी आँखों से. ये उनको स्कैरी आइज होती है, डरा देते हैं. ये स्टिक के पेड्स होते हैं इनके, मतलब इनके पैर जो होते हैं वो स्टिकी होते हैं ताकि ये शाखाओं को आसानी से पकड़ पाते हैं. एनिमल्स इनहैबिटिंग द फॉरेस्ट फ्लोर इंक्लूड लियोपार्ड, गोरिल्ला, एलिफेंट, एशियन एलिफेंट्स, ये सब यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. प्रीडेटर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म हाइड. उसके बाद हम बात करते हैं क्या क्या प्रीडेटिंग होते हैं इनकी.
हाइडिंग, आसानी से ये छिप पाते हैं, ठीक है, कैसे ये अपने आप को सुरक्षा देंगे, छिप कर देंगे। कॉम्फ्लेक्स का मतलब होता है ये इनकी, ये अपनी स्किन को, अपनी बॉडी के कलर को चेंज कर लेते हैं, और ताकि ये क्या कर सकते हैं, जहाँ पर अगर पेड़ पौधों में हैं तो अपने कलर को ग्रीन कर लेंगे ये, ताकि ये कन्फ्यूज़ हो जाए, इनका जो शिकारी है वो कन्फ्यूज़ हो जाए। उसके बाद आता है स्केरी एंड प्रेडेटर, स्केरी द प्रेडेटर्स, इनकी जो स्किन, इनकी आँखों का कलर या इनकी स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है ताकि ये डरावने लगें। मे बटरफ्लाइज हैव द लार्ज आई डिज़ाइन, बटरफ्लाइज की आईज जो होती हैं वो बड़ी होती हैं, लाल कलर की होती हैं, मेंढक की होती है, तो ये डरा देते हैं अपने शिकारी को। वार्मिंग कलर एंड सेंट, इनके जो कलर होते हैं वार्निंग कलर होते हैं, कुछ कुछ कलर जो होते हैं ये बता देते हैं कि मुझसे बच के रहना, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूँ, ठीक है, ये होते हैं वार्निंग कलर। और सेंट कुछ इस तरीके के ये अपने बॉडी से सिक्रीट करते हैं लिक्विड, जो कि सामने जो इनका शिकारी है उसको नुकसान पहुँचा सकते हैं। When predator eats the member of the group, gets stick, चिपक जाते हैं, ये इस तरीके के सेंट निकालते हैं कि जो इनका शिकारी है वो चिपक जाता है और वो मूवमेंट नहीं कर पाता, और इतनी देर में तो ये वहाँ से गायब हो जाते हैं। उसके बाद आता है हमारे क्वेश्चन आंसर, जिसको कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।